गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए आपका प्रैक्टिस बुक का वर्क चल रहा था, है ना। चैप्टर फाइव क्या था? मेजरमेंट, जिसको आप लोगों ने एक बार हैंड स्पैन से, फुट स्पैन से और पेस से, हर चीज से करके देखा है, फिंगर से भी करके देखा है, ठीक है। अब आपका माई टर्न थ्री चल रहा था, है ना। माई टर्न थ्री में आपने यहां तक वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? फोर्थ वाला वर्क है। फोर्थ वाले वर्क में देखिए क्या है, सर्कल द बॉडी पार्ट, उस बॉडी पार्ट को सर्कल करना है। यहाँ एक चीज दी हुई है, एक थिंग दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। किससे आप इसको मेजर कर सकते हैं, किन चीजों से, उस पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे देखो, पहला है और नोटबुक। नोटबुक मीन्स कॉपी, है ना। और तो कॉपी को हम किससे कर सकते हैं मेजर? देखिए पेस, कदमों से तो आप नहीं करेंगे, है ना, फिंगर्स और हैंड स्पैन। फिंगर से करेंगे तो कर सकते हैं, पर बहुत सारे फिंगर लगेंगे, पर हैंड स्पैन से करेंगे तो हम वन और टू हैंड स्पैन यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो कॉपी का डिस्टेंस हम कर सकते हैं मेजर। तो हैंड स्पैन पे सर्कल कर दिया। फिर है अ चौक, चौक जिससे मैम लोग लिखती है, है ना, आपको चौक पता है। वो चौक किससे कर सकते हैं? हैंड स्पैन से वो काफी छोटा होता है, क्योंकि एक फिंगर के बराबर होता है। तो हम किससे करेंगे इसको? क्यूबिट का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था, एल्बो से लेकर के पूरा हैंड तक, ठीक। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है, फिंगर से हम चौक को मेजर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर फिंगर बेस को सर्कल कर लेंगे, ठीक। फिर देखिए डोर ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का डोर हम किससे करेंगे? फुट स्पैन, आप डोर के ऊपर चढ़ेंगे तो नहीं, तो आप फुट स्पैन से नहीं कर सकते। पेस, आप डोर के ऊपर चल भी नहीं सकते हो, इसलिए पेस से नहीं होगा। हैंड स्पैन, फिर आप किससे होगा सर्कल करेंगे? हम हैंड स्पैन पे, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम का फ्लोर फिंगर से आप नापेंगे, मेजर करेंगे फिंगर से? नहीं, पेस से और क्यूबिट से। क्यूबिट में हाथ से हम नहीं करेंगे, पेस हम कदम से चल करके क्लासरूम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ योर फ्रॉक या फिर शर्ट जो आप पहने इसको हम किससे कर सकते हैं? हैंड स्पैन से, क्यूबिट से, पेस से? हैंड स्पैन से करेंगे, है ना, क्योंकि क्यूबिट भी बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा और पेस तो हो ही नहीं सकता, आप उसके ऊपर चलेंगे तो नहीं। फिर देखिए ये आपका जो माई टर्न थ्री था, उसका लास्ट वर्क ये था। अब है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना, ये वाला वर्क है। इसमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं, इसमें आपको सर्कल करना है। फर्स्ट देखिए क्या है, द सर्कल द लॉन्गेस्ट, ये आपके तीन ब्रश दिए हुए हैं, है ना, इसको आपको ब्रूम दिया हुआ है, ये इसमें जो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, उसको आपको सर्कल करना है। ये बड़ा है? नहीं, ये वाला सबसे बड़ा है, हम इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सर्कल द शॉर्टेस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन है? ये पाइप छोटा है, ये वाला, यस ये वाला, है ना, तो हम इसको यहाँ सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर सर्कल द लॉन्गेस्ट, यहाँ पत्तियां दी हुई है, साथ में उसकी डाल है, ठीक। तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? देखिए ध्यान से देख के बताइएगा, फर्स्ट नंबर वाला सबसे लंबा है, ठीक। फिर है सर्कल द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या है, ये दिया हुआ है तीन, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा सेंटर पे है ये, इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब क्या करना है, मेजर यूजिंग अ पेंसिल, अब इसको पेंसिल यूज करके चीजों को मेजर किया गया है। देखिए पहला है थर्मामीटर, थर्मामीटर वन पेंसिल के बराबर है ना, वन पेंसिल से मेजर हुआ, तो यहां हम क्या लिखेंगे, फिल करेंगे वन पेंसिल। फिर ये बेंच है, बेंच को कितने पेंसिल से मेजर किया है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
एक पेंसिल से हम यहाँ क्या फिल करेंगे, एट। फिर है डोर, डोर को डोर की विड्थ को किया गया है 1 2 3 4 5, 5 पेंसिल से हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल। तो ये आपका कोर्स बुक और प्रैक्टिस बुक कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको पता है कि कोर्स बुक का काम कहाँ करना है, कॉपी में, और प्रैक्टिस बुक का वर्क कहाँ करोगे, बुक में ही करना है।